पीट कर लोगे। इतना शक्तिहीन नहीं है रावण। ओह, तो भेष बदल कर छल से एक असहाय स्त्री का हरण करने वाले धूर्त राक्षस रावण स्वयं को शक्तिहीन नहीं अपितु शौर्यवान समझता है। यदि हाँ तो ये मात्र तुम्हारी भूल है निर्लज, और आज तुम्हें तुम्हारी सभी भूलों का दंड अवश्य मिलेगा। आज मेरे बाण तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे रावण। रावण द्वारा छोड़े गए इस विकराल एवं घातक बहु अस्त्र को शीघ्र ही नष्ट करना होगा मुझे, जिससे प्रभु द्वारा उस राक्षस के अंत का प्रत्यक्षदर्शी बन सकूं। हे प्रभु धन्वंतरी जी, राम काज पूर्ण करने में मेरी सहायता कीजिए। अपने इस महाविकराल अस्त्र को निरस्त कीजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु धन्वंतरी जी। कल्याण हो। आप मेरी एक ही गुहार पर मेरी सहायता करने आ गए, उसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद धन्वंतरी जी। अब तक ये अस्त्र वानर सेना को नष्ट करने के लिए समर्पित था, परंतु अब ये शीघ्र अतिशीघ्र अपने स्वामी के पास लौटने का इच्छुक है। मैं आपका कृतज्ञ हूं, आपने राम काज पूर्ण करने में मेरी सहायता की। मुझे मेरा अस्त्र लौटाने के लिए, उस अयोग्य अधर्मी रावण के प्रभाव से उसे मुक्त कराने के लिए धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए हनुमान। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, शीघ्र रावण की सुरक्षा करने वाली सभी शक्तियों का नाश करोगे तुम। धन्वंतरी जी, किन शक्तियों का उल्लेख कर रहे थे? कौन सी शक्ति है जो अभी भी रावण की रक्षा कर रही है? मेरा ये बाण तुम्हें घात करेगा। मृत्यु लोक में अपने बंधु बांधवों से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। यही तुम्हारे कुकर्मों का दंड है धूर्त रावण। Thank you.
ये कैसे संभव है? रावण का शीश कट जाने के पश्चात भी पुनः उसकी देह पर उसका मस्तक कैसे प्रकट हो रहा है? कैसे विकट स्थिति है भैया, श्री राम के बाणों का इस दुष्ट राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। धन्वंतरी जी ने उचित ही कहा था, कोई तो शक्ति है जो इस दुष्ट की रक्षा कर रही है। कोई नहीं मार सकता मुझे, रावण का वध कठिन ही नहीं असंभव है। जो भी शक्ति रावण की रक्षा कर रही है उसे भी नष्ट करूंगा मैं। रावण का अंत यदि असंभव है तो उसे संभव बनाऊंगा मैं। प्रभु के बाण इस प्रकार व्यर्थ हों और ये दुष्ट इस प्रकार अपने अट्ठास से उनका उपहास करे, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तब तो आपको जाकर उस अमृत ताल को नष्ट करना होगा। हाँ हनुमान, उस अमृत ताल के प्रभाव के कारण ही प्रभु श्री राम के दिव्य बाणों से आहत होने के बाद भी रावण जीवित है। अमृत ताल? किस अमृत ताल की बात कर रहे हैं आप? लंका के दक्षिणी पूर्वी छोर पर एक गुप्त ताल स्थित है जिसका इतिहास समुद्र मंथन के महान प्रसंग से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन? देवताओं और असुरों ने मिलकर शीर सागर का मंथन प्रारंभ किया। हाँ, माता सरस्वती ने मुझे बताया था। देवताओं
और दानवों के उस महामंथन के अंत में स्वयं धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर प्रस्तुत हुए थे, जिसको पाने के लिए देवताओं और दानवों में टकराव भी हुआ था। इस अमृत पर असुरों का नहीं, हम देवताओं का अधिकार है। और उसी समय जब देवताओं ने उन लालची राक्षसों से उस अमृत कलश को पुनः प्राप्त कर लिया, तो देवराज इंद्र ने उसे जयंत को चंद्रमा पर सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। जयंत तुरंत ही उस अमृत कलश को अपने पंजों में दबाकर चंद्रमा की ओर बढ़ चले और निरंतर 12 दिनों तक सूर्य देव, चंद्र देव और शनि देव की शरण में उड़ान भरते रहे। इसी बीच उस अमृत कलश से कुछ बूंदे छलक कर नीचे गिर पड़ी और वो बूंदे लंका में एक ताल में जाकर गिरी, जो ताल पूर्णतः निर्जन स्थल पर स्थित था। उन बूंदों के गिरते ही वो ताल भव्य और मनोहर ताल में परिवर्तित हो गया और उसका पानी जीवन देने वाले अमृत के समान हो गया। और अवश्य ये बात शीघ्र रावण तक भी पहुंच गई होगी। रावण को यह ज्ञात होते ही उसने किसी का उसके समीप जाना ही निषिद्ध कर दिया और स्वयं नित्य उस ताल में स्नान करने लगा। जिसके प्रभाव से वो अजेय हो गया और अब जब तक रावण का जीवन स्रोत वो ताल सूखता नहीं, रावण को कोई परास्त नहीं कर सकता। फिर तो अब उस ताल के सूखने का समय आ गया है। परंतु आपको सतर्कता पूर्वक कार्य करना होगा हनुमान, वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होगी। धन्यवाद सुषेण जी, मुझे अवगत कराने के लिए। रावण की रक्षा करने वाले उस अमृत ताल को ये श्री राम भक्त अब अधिक समय के लिए रक्षित नहीं रहने देगा। भले ही वहां कितनी भी भयंकर सुरक्षा क्यों ना हो। जय श्री राम। रुको मत वनवासे, अपने समस्त सर्वश्रेष्ठ शस्त्रों का प्रयोग मुझ पर कर देख लो। ये त्रिलोक विजेता दशानन रावण को
अनेक भी हानि पहुंचा सकते हैं या नहीं। यहाँ के वृक्षों की व्यवस्था पूर्णतः भिन्न है। हो न हो, अमृताल यही कहीं स्थित है। अनुपम सौंदर्य है इस ताल का। इस सघन वन में तो मात्र एक ही जलाशय है, परंतु फिर भी यहां पर एक भी पशु पक्षी अथवा जल जीव नहीं, अर्थात उन वृक्षों के सिवाय अन्य भी कोई है यहां जो इस ताल की रक्षा कर रहा है। परंतु जो भी हो, मुझे तो शीघ्र इस ताल को नष्ट कर अपना कार्य पूर्ण करना होगा। जो करता यहां प्रवेश वो नहीं रहता शेष, अंत करूंगा मैं इस दुस्साहसी वानर का। मूर्खता करने वाले वानर, अब तुम जीवित लौटने की आशा क्या दो। अधर्म अपने बचाव के लिए कितने भी प्रयास कर ले, अंततः धर्म की शक्ति के आगे टूट जाता है। तुम जैसे अधर्मी को नष्ट करने के लिए मैं आज तुम पर तब तक निरंतर आघात करता रहूंगा जब तक तुम्हारा सर्वनाश ना हो जाए। तो अपनी इच्छा पूर्ण कर लो वनवासी, मैं भी देखता हूं कि पहले तुम्हारे बाण समाप्त होते हैं या तुम्हारा साहस। तो यहां आने का अपना प्रयोजन सिद्ध कर सकोगे और न ही यहां से लौट सकोगे।
तुम्हें ज्ञात हो ही गया होगा कि मेरा बाहुबल ये करने में पूर्णतः सक्षम है। इतना विश्वास है तुम्हें अपने बाहुबल पर? तो लो, अब इस राम सेवक की शक्ति का सामना करो। अमृत ताल का रक्षक ये राक्षस तो स्वयं भी अमर होगा, इसलिए इससे उलझने और संघर्ष करने में समय व्यर्थ गंवाने के स्थान पर मुझे अपना संपूर्ण ध्यान इस ताल को जल विहीन करने पर केंद्रित करना चाहिए। संभवतः इस राक्षस का तो अंत हो गया, अब मुझे शीघ्र इस ताल को जल विहीन कर देना चाहिए। लंकेश का सेवक हूं मैं, मायावी हूं। तुमने क्या सोचा मुझसे छुटकारा पा लिया तुमने? वानर यही हूं मैं। क्या लगा तुम्हारी वानर बुद्धि को, मेरा अंत हो गया। इस प्रकार तो ये मुझे मेरा कार्य नहीं करने देगा, इसके लिए कोई अन्य उपाय करना होगा। मुझसे मुक्ति नहीं पा सकते तुम वानर। जब तक इस ताल में जल रहेगा तब तक तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, और जब तक मैं हूँ तब तक इस ताल को जल विहीन करना तुम्हारे लिए असंभव है। मुझे क्षति पहुंचाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है वनवासी। अब देखो कि कैसे मेरी मायावी बाधा तुम्हारे साथ तुम्हारी संपूर्ण वानर सेना को समाप्त करती है। हे वरुण देव जी, धर्म की रक्षा हेतु दुर्भाग्यवश मुझे इस ताल को नष्ट करना ही होगा। हे अग्निदेव, कृपा कर इस कार्य में मेरी सहायता कीजिए। इसके शरीर पर आरूढ़ है, परंतु इसकी अग्नि को नष्ट करने की शक्ति है मुझ में। छोड़ दो मुझे दुष्ट वानर, तुम मुझे भस्म कर रहे हो। छोड़ दो मुझे। उत लड़े रावण रघुराई, इत बजरंगी ताल सुखाई, किंचित बूंद भी शेष नाराखा। जय जय राम सेवक हनुमाना, राम सिया राम, सिया राम जय हनुमाना, राम सिया राम, सिया राम जय हनुमाना। अब मेरे प्रभु के बाण
व्यर्थ नहीं जाएंगे। जय श्री राम। अमृत ताल के जल विहीन होने के बाद अब प्रभु के इस अस्त्र का प्रभाव रावण पर अवश्य होना ही चाहिए, किंतु चिंता तो इस बात की है कि कहीं दुष्ट के पास अपनी सुरक्षा के लिए अन्य कोई उपाय तो नहीं है। ये कैसे संभव है? मेरे शीश पुनः मेरे देह से जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? प्रतीत होता है कि रावण की मायावी शक्तियां चूक गई हैं। अब उसका अंत समीप है। यह कैसे हो सकता है? क्यों हो रहा है ये सब? मेरा शीश मेरे धड़ से अलग होकर पुनः क्यों नहीं लौट रहे? प्रतीत होता है इस वानर को अमृत ताल के बारे में ज्ञात हो गया है। अवश्य ही इसके द्वारा अमृत ताल वाष्पित कर लुप्त कर दिया गया है। प्रभु, अंत कर दीजिए इस दुष्ट का। ये कैसे संभव है? वनवासी, कहीं तुम्हारा ये भ्रम तो नहीं था इतनी सहजता के साथ तुम इस
लंकेश रावण का वध कर लोगे। अब तो टूट गया ना तुम्हारा ये भ्रम। मैंने तो पहले ही कहा था कि रावण का वध करना कठिन ही नहीं असंभव है। विभीषण जी, आप ही बताइए ये कैसे संभव है। रावण को रक्षा प्रदान करने वाले अमृतताल को स्वयं नष्ट किया है मैंने। उसमें जल की एक बूंद भी मैंने शेष नहीं रहने दी, परंतु ये फिर भी पुनर्जीवित हो गया। इसका तो अब तक अंत हो जाना चाहिए था। ओहो, तो तुम अब भी प्रयास करना चाहते हो। वैसे भी तुम्हारे इस तुड़ीर में अब अंतिम बाण शेष है, उसका भी प्रयोग करके देख लो। धर्म युद्ध करने वालों के तुड़ीर कभी बाण विहीन नहीं होते महाज्ञानी रावण। तुम्हारे पास असंख्य बाण हो तब भी तुम इस लंकेश रावण का वध नहीं कर सकते, क्योंकि जिस बाण से मेरा लंकेश रावण का वध संभव है वो तुम्हारे इस तुड़ीर में है ही नहीं। भ्राता लंकेश का इतना महत्वपूर्ण रहस्य मैं भूल कैसे गया। विभीषण जी, कैसा रहस्य? मैं प्रभु श्री राम को बताना भूल गया कि भ्राता लंकेश की मृत्यु का बाण स्वयं उनके पास ही है, जिसको प्राप्त किए बिना उनका वध असंभव है। रुको मत वनवासी, चेष्टा करते रहो। रावण का मृत्यु बाण, वो उसे कैसे प्राप्त हुआ और मुझे कहां मिलेगा वो बाण? इस प्रकार तो मेरे प्रभु के समस्त प्रहार विफल होते जाएंगे यदि मृत्यु बाण के बिना रावण की मृत्यु नहीं हो सकती। तो संसार के किसी भी कोने में छुपा कर रखा गया हो मृत्यु बाण को, मैं उसे ढूंढकर अवश्य लाऊंगा। बताइए कहां है वो मृत्यु बाण? मृत्यु बाण वो बाण है जिसे भ्राता रावण ने स्वयं यमराज से छीन कर अपने अधिकार में ले लिया था। यमराज से मृत्यु बाण छीन लिया लंकेश ने? हाँ, ब्रह्मदेव महादेव एवं देवी से वरदान पाकर भ्राता लंकेश अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे, किंतु फिर भी उनके मन में अपनी मृत्यु को लेकर संदेह बना रहा। अपने इस भय को मिटाने के लिए वो मृत्यु के देवता यमराज पर चढ़ाई करने के लिए स्वयं यमलोक जा पहुंचे। उस रात्रि भ्राता लंकेश की उग्रता अपने चरम पर थी। भ्राता इतने प्रचंड थे कि यमलोक के जो भी सैनिक उनका मार्ग रोकने के लिए आए, उन्होंने एकाकी क्षण भर में उन सब का विध्वंस कर डाला। रोको कोई दुष्ट को। हर मार्ग की समस्त बाधाओं को समाप्त करते हुए
जब भ्राता लंकेश यमलोक में प्रवेश कर गए तो स्वयं यमराज उनका सामना करने के लिए उनके समक्ष आ गए। दोनों के मध्य महासंग्राम छिड़ गया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव एवं देवाधिदेव महादेव के वरदानों के कारण भ्राता रावण यमराज से अधिक शक्तिशाली सिद्ध होने लगे। और यमराज को संभलने का अवसर ही नहीं दिया भ्राता रावण ने, और विवश होकर यमराज को अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी। मृत्यु के देवता यमराज, अब मात्र दो ही विकल्प है तुम्हारे समक्ष। या तो मेरी मृत्यु का बाण मुझे सौंप दो, या स्वयं मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यमराज के समक्ष पराजय को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। यमराज के समक्ष पराजय को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। अतः विवश होके उन्हें भ्राता लंकेश के मृत्यु बाण का आवाहन करना पड़ा। अब ये मेरी मृत्यु का बाण मेरे अधिकार में रहेगा। जब किसी को ये बाण ही प्राप्त नहीं होगा तो कोई भी मेरा वध नहीं कर पाएगा। अमर हो जाएगा त्रिलोक विजेता लंकेश रावण। और भ्राता लंकेश जब अपना मृत्यु बाण लेकर पुष्पक पर आरूढ़ हुए तभी यमराज ने उन्हें चेतावनी दी। रावण, इस भ्रम में कदापि मत रहना कि तुमने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम जिस पृथ्वी पर रह रहे हो वो नश्वर है। वहां जिसका जन्म होता है समय आने पर उसकी मृत्यु भी होती है। तुम नहीं बच पाओगे रावण। तुम्हारे मृत्यु का भी जब समय आएगा तुम्हारा यह मृत्यु बाण स्वतः उसके पास पहुंच जाएगा जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तो विभीषण जी, इस समय वो बाण है कहां? कृपया करके मुझे शीघ्र बताइए, मैं किसी भी मूल्य पर उस बाण को लेकर आऊंगा। ये तो स्वयं मुझे भी ज्ञात नहीं कि वो बाण कहां रखा गया है, किंतु जहां तक मेरा अनुमान है मैं क्या कर रहा हूं, स्वयं अपने ही भ्राता की मृत्यु का कारण बनने जा रहा हूं। किंतु धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मुझे यह बलिदान देना होगा। भाभी मंदोदरी को इसके विषय में अवश्य ज्ञान होगा। महारानी मंदोदरी? किंतु स्मरण रहे हनुमान, भाभी पतिव्रता स्त्री है, इसलिए उनसे मृत्यु बाण के विषय में पूछना निरर्थक ही होगा। कोई भी पत्नी ऐसा कार्य नहीं करेगी जो उसके पति के लिए अहितकर हो, यही नारी धर्म है। किंतु रावण का मृत्यु बाण प्राप्त करने के लिए मैं उसके महल में जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वैसे भी एक समय मैंने महारानी मंदोदरी से एक वचन लिया था जो उन्हें पूरा करना है। यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उस वचन का आश्रय भी लूंगा।
कदाचित इनके वार्तालाप से ही उस मृत्यु बाण तक पहुंचने का कोई सूत्र प्राप्त हो जाए। जब से युद्ध आरंभ हुआ है मेरे पुत्र के विषय में भी कुछ ज्ञात नहीं हो सका। कौन जाने कि वो जीवित भी है या नहीं। मेरे भी दो पुत्र थे। युद्ध आरंभ होने के पश्चात उनके बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्या होगा उनका। मुझे तो हम सबका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। सब भविष्य के लिए चिंतित हैं। तो विभीषण जी, इस समय वो मृत्यु बाण है कहाँ? भाभी मंदोदरी को इसके विषय में अवश्य ज्ञान होगा। रावण का मृत्यु बाण प्राप्त करने के लिए मैं उसके महल में जाऊंगा, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रभु श्री राम के काज के लिए मुझे स्वांग रचना पड़ेगा। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, बम बम भोले। जोगी घर घर गाता जाए, सबका भाग्य बताता जाए। जोगी घर घर गाता जाए, सबका भाग्य बताता जाए। बम बम भोले, बम बम भोले। अरे देखो कोई जोगी आ रहा है। बम बम भोले, बम बम भोले। हाँ बड़े ही पहुँचे हुए जोगी लग रहे हैं ये। भूत भविष्य को देखे जोगी, जोगी से कुछ छुप ना पाए। आगे क्या है होने वाला ये सब जोगी ही बतलाए। जोगी बाबा, क्या आप हम सबका भविष्य बता सकते हैं? अवश्य देवी। शनि की टेढ़ी दृष्टि हो या मंगल का कोई क्रीड़ा, या राहु केतु ने भाग्य में किया हो कोई झमेला, कल क्या है होने वाला, भाग्य कहाँ ले जाए, ये सब जोगी ही बतलाए। बम बम भोले, बम बम भोले। परंतु हम आपका विश्वास कैसे कर लें? क्या आप जो बताएंगे सत्य ही होगा? हर हर बम बम, हर हर बम बम। भाग्य का लेखा मिट ना पाए, पर हर ज्वर का होता उपाय। आ जाएंगे वो जिनकी प्रतीक्षा में आप व्याकुल हैं। शीघ्र ही युद्ध समाप्त होगा, लंका पुनः फलेगी फूलेगी। हर हर बम बम, हर हर बम बम। आपके दोनों पुत्र लौट आएंगे, बड़े होकर लंकेश की सेवा करेंगे। और आपका पुत्र भी लुप्त है ना? हाँ। आ जाएगा वो भी, वो महाज्ञानी बनेगा देवी, सबका मार्गदर्शन करेगा। परंतु उससे लाभ क्या? जिस तरह लंका के सभी योद्धाओं का अंत हुआ, उनका भी अंत हो जाएगा। मुझे ज्ञात है देवी, इस भीषण युद्ध में आपको अपने परिजनों को खोना पड़ा है, किंतु जो होना था हो गया, जो बीत गई सो बात गई, जो होना है वो भी होगा। फिर आएगी प्रातः नहीं, फिर से होगी सुख की वर्षा, हर मन फिर खिल जाएगा, फिर पतझड़ का होगा अंत, एक नव वसंत फिर आएगा। बम बम भोले, बम बम भोले। लंका में परिवर्तन होगा, बदलेंगे लंकेश भी। भाग्य उदय होगा लंका का, बदलेगा परिवेश भी। भाग्य ने कैसे खेल रचाए, कोई इसको समझ ना पाए। किंतु कल क्या होने वाला ये बस जोगी ही बतलाए। बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर बम बम, हर हर बम बम। महारानी जी, महारानी जी, हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहूंगी। महारानी जी, वो बाहर एक तेजस्वी ज्योतिषी आए हैं,
श्रेष्ठ भविष्यवक्ता है वो, यदि आप कहे तो। उन्हें लंका के राज मंदिर में लेकर आओ। जो आज्ञा आपकी। वनवासी, बहुत प्रहार कर लिए तुमने अपने इन बाणों से और सब भी विफल हो गए। अब प्रहार मैं करूंगा। मेरा यह अस्त्र तुम्हें तुम्हारे काल के दर्शन करा देगा। लो! बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अब मुझे किसी प्रकार देवी मंदोदरी को बातों में उलझाकर मृत्यु बाण कहां रखा है ये ज्ञात करना होगा। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। ये जोगी कुछ परिचित से प्रतीत हो रहे हैं। ये कहीं तो देखा है मैंने इन्हें। क्या महारानी मंदोदरी ने मुझे पहचान लिया? यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं इनसे मिल भी चुकी हूँ, कहीं ये। प्रणाम महारानी। हर हर महादेव। महारानी जी, अवश्य ही आप और आपके पति देव बड़े ही शिव भक्त हैं। सत्य है ना? मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। आपको स्मरण है कुछ? अब क्या करूं, मिथ्या संभाषण में कर नहीं सकता और सत्य कहा तो अनर्थ हो जाएगा। बताइए ना ज्योतिषी महाराज जी, क्या मेरी आपसे पूर्व काल में भी भेंट हो चुकी है? महारानी जी, हर जोगी की यही कहानी, रमता जोगी बहता पानी, हिम क्षेत्र से लंका तक जोगी घट घट भ्रमण करे। किससे कहां भेंट हो जाए, कब किसको स्मरण रहे। आप भाग्य बांचते फिरते हैं, तो बताइए आपके अनुसार लंका के भाग्य में क्या होने वाला है? पूछना है लंका का भाग्य या लंकेश की चिंता सताए, जोगी बताए मन की बात, जोगी से कुछ छिप ना पाए। अतुलित युद्धवीर लंकेश महाभट है महाबलवान, महाभक्त है महादेव के, वेद शास्त्र के हैं विद्वान, उस पर पतिव्रता हैं आप, आपके व्रत से वो हैं रक्षित। फिर क्यों भय से कांप रही हैं? आपके स्वामी हैं सुरक्षित। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। अब ये चिंता तजिए देवी, उनकी चिंता तो है व्यर्थ, कोई उनको हरा न पाए, महाबली वो सर्वसमर्थ, सुख वैभव से फिर ये लंका सबकी प्रिय बन जाएगी, उज्जवल भविष्य है इस नगरी का, फिर समृद्धि आएगी, हर हर बम बम। किंतु यहां तो नहीं, किंतु किंतु ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ ज्योतिषी जी, कोई समस्या है क्या? हाँ देवी, एक तुच्छ सी आपदा है जो स्वयं लंकेश के आसपास डोल रही है। ये आपदा किसी देवता की ओर से या फिर कोई यक्ष बनेगा इसका कारण, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। कहीं ये किसी नर की ओर से तो नहीं? हाँ, अभी तो जहां तक मेरा अनुमान है,
ये आपदा किसी वानर की ओर से आ सकती है। तब तो अवश्य वो वानर हनुमान होगा। हाँ, बस उस वानर से सतर्क रहना होगा। वही संकट उत्पन्न कर सकता है लंकेश के लिए। किंतु हनुमान कैसा संकट उत्पन्न कर सकता है, देखकर बताइए ना। प्रतीत हो रहा है जैसे हनुमान किसी वस्तु को ढूंढने में लगा हुआ है। अनुमानतः उसे बाहर से लंका में लाया गया है। ऐसी वस्तु क्या हो सकती है? सोची देवी, कोई ऐसी वस्तु जिसे छुपाकर किसी गुप्त स्थान पर रखा गया हो, जो किसी के हाथ लग जाए तो लंकेश संकट में पड़ सकते हैं। मेरा ग्रंथ किसी अस्त्र की ओर इंगित कर रहा है। कोई बाण है क्या? कहीं मृत्यु का बाण तो नहीं? हाँ, वही होगा। अवश्य ही हनुमान मृत्यु के बाण को खोजने में लगा हुआ है। देवी, आप शीघ्र जाइए और सुरक्षित कीजिए उस बाण को। आप उचित कह रहे हैं ज्योतिषी जी, मैं अब उसे अपने नेत्रों के समक्ष ही रखूंगी। इतना तेज, महादेव के जैसी आभा, ये कोई साधारण ज्योतिषी नहीं है। कौन हो तुम? मुझे विश्वास है कि तुम ज्योतिषी का छद्म वेश धारण करके मेरे समक्ष आए हो। यदि अब तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने वास्तविक रूप को धारण कर लो। हनुमान, छद्म रूप धारण करने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं देवी, किंतु इस धर्म और अधर्म के युद्ध का अंत करने के लिए, लंका नगरी से पाप का साम्राज्य समाप्त करने के लिए आपके समान ही पतिव्रता स्त्री माता सीता की अस्मिता की रक्षा करके उन्हें अपने पति को लौटाने के लिए मुझे ये स्वांग रचना पड़ा। उस एक मृत्यु बाण के बिना ये सब संभव नहीं है। देवी, मुझ पर कृपा करके मुझे वो बाण प्रदान करें। नहीं, कदापि नहीं। किंतु देवी, बस इससे पूर्व कि मैं अपना संयम खो दूं, चले जाओ यहां से। देवी, मुझे क्षमा करें, उस बाण को लिए बिना मैं यहां से नहीं जा सकता। हनुमान, मैं शाप दे सकती हूं तुम्हें। एक पतिव्रता स्त्री के शाप में इतनी शक्ति होती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दे।
शांत देवी शांत, आपने पूर्व काल में मुझे एक वचन दिया था। जब ऋषिवर दुर्वासा ने लंकेश को क्षमा दान दिया था, देवी स्मरण कीजिए। स्मरण रहे, रावण को जीवन दान हनुमान की विनती से प्राप्त हुआ है, अतः भविष्य में हनुमान के इस उपकार का प्रतिफल देना होगा। देवी, उसी वचन की पूर्ति के रूप में आप मुझे वो मृत्यु बाण प्रदान कीजिए। अन्यथा ये युद्ध अनवरत चलता रहेगा और तब न जाने कितना विध्वंस और होगा। कदाचित ये संपूर्ण लंका ही एक पतिव्रता स्त्री की मर्यादा की रक्षा करते हुए प्रभु के कोप की भेंट चढ़ जाए। एक स्त्री से उसके पति की मृत्यु का साधन मांग रहे हो तुम हनुमान? कोई पतिव्रता स्त्री ऐसा कैसे कर सकती है? देवी, तो क्या आप अपना दिया हुआ वचन भंग कर देंगी? देवी, अपने सत्य व्रत का पालन कीजिए। मेरे लिए मेरे सत्य व्रत धर्म से बड़ा मेरा पतिव्रत धर्म, मेरा पतिव्रत धर्म, मेरा पतिव्रत धर्म, मेरा पतिव्रत धर्म। इसे निभाते हुए भले ही मेरा सत्य व्रत टूटे या कोई और वचन भंग हो, मंदोदरी ऐसा कदापि नहीं करेगी। क्षमा देवी, प्रभु श्री राम के कार्य के प्रति पूर्णतया समर्पित मैं अधिक उत्साह में आकर ये भुला बैठा था कि मैं एक पतिव्रता स्त्री से उसके पति की मृत्यु का साधन मांग रहा हूं। मैं समझ सकती हूँ हनुमान, अपने आराध्य के प्रति तुम्हारी अगाध निष्ठा के कारण ऐसा हुआ। आप धन्य हैं, माता सीता की भांति आप भी पतिव्रत धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। देवी, आपका सत्यव्रत धर्म आपके पतिव्रत धर्म के कारण टूट ना जाए, इसलिए मैं आपको वचन से मुक्त करता हूं। मंदोदरी सदा पतिव्रत धारी, और कपि सत्यव्रत अनुचारी। प्राप्त वचन अंजनी सुतवारी, अबला कृतज्ञ भैया भारी। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बिना मृत्यु बाण के तो रावण का अंत असंभव है। प्रभु कैसे इस युद्ध को समाप्त कर पाएंगे? कोई मेरा पीछा कर रहा है क्या? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कौन है जो अदृश्य होकर मेरा पीछा करने का दुस्साहस कर रहा है? बार बार पीछे मुड़कर मत देखो, मैं इस समय मृत्यु काल रूप में हूँ। इस रूप के दर्शन मनुष्य को मात्र उनके अंतिम समय में ही दिखाई देते हैं। इस रूप के दर्शन का अर्थ है मृत्यु के मुख में चले जाना। अच्छा, आप यमराज जी हैं, मृत्यु के देवता? हाँ हनुमान,
मैं यमराज ही हूं। जब यमराज जी स्वयं यहां पर हैं, तो अब मुझे रावण की मृत्यु बाण प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। मृत्यु का भय अवश्य दहल जाएगा उसका हृदय आपके काल रूप के दर्शन से। मृत्यु का भय बहुत बड़ा होता है यमराज जी, उस अधर्मी को आप अपने इस मृत्यु काल रूप का दर्शन दीजिए, कहिए कि उसका अंत समय आ गया है, अवश्य ही भयभीत हो उठेगा वो कि बिना मृत्यु बाण के उसका अंत समय कैसे आ सकता है, और तब वो स्वयं हमें अपने मृत्यु बाण तक लेकर जाएगा। आ हनुमान, युक्ति तो अच्छी सुझाई है तुमने, मैं शीघ्र ही जाकर उसे दर्शन देता हूं। मेरा यह अस्त्र तुम्हें तुम्हारे काल के दर्शन करा देगा। लो! अकस्मात ही क्या होने लगा, कालदेव है मृत्यु काल रूप में। ये कैसे संभव है, मेरी मृत्यु का बाण तो मेरे पास ही सुरक्षित है। ये सब क्या होने लगा अकस्मात ही, ये रावण एकाएक भयभीत कैसे हो उठा। यमराज तुम मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी मृत्यु का बाण मेरे पास ही सुरक्षित है। रावण, अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है, अब तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, असंभव है ये कैसे हो सकता। आज तो लंका के राजभवन की ओर बढ़ गए हैं। कहीं यमराज मेरी मृत्यु का बाण लेने के लिए तो लंका नहीं जा रहे। मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे शीघ्र जाकर देखना चाहिए। अब तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने से कोई नहीं बचा सकता। मेरा अंत कभी नहीं हो सकता, उससे मेरी मृत्यु का बाण कोई नहीं छीन सकता। भले ही रावण बारंबार जीवित होता रहे, किंतु मेरे प्रहार नहीं रुकेंगे।
रावण, तुम कितना भी मायावी धूम्र से स्वयं को छुपा लो, मेरी दिव्य दृष्टि से नहीं बच पाओगे तुम। तो इस धूम्र के पीछे छुपकर ये राक्षस अपनी माया से दो रूप बना रहा है, जिससे कि एक रूप यहां युद्ध करता रहे और दूसरा रूप मृत्यु बाण तक जा सके। तो मेरी युक्ति में तुम फंस ही गए रावण, तुम स्वयं मुझे उस मृत्यु के बाण तक लेकर जाओगे। रावण के इन दोनों रूपों में भेद करना कठिन है कि कौन वास्तविक रावण है एवं कौन मायावी रावण। रावण, बहुत चतुर समझते हो ना स्वयं को, किंतु मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। क्या देख रहे हो वनवासी, बहुत प्रहार कर लिए तुमने, अब मेरा भी प्रहार देखो। रावण, तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे पीछे आऊंगा मैं। हनुमान के बुद्धि बल का ही परिणाम है ये, जो रावण स्वयं मृत्यु बाण तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। क्या रावण अकस्मात ही कहां लुप्त हो गया? अब मृत्यु बाण के इतने निकट आकर भी कहीं सारा किया हुआ व्यर्थ ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रावण को मुझे शीघ्र ही ढूंढना होगा। वो है लंकेश, किंतु वो मायावी छिद्र तो बंद हो रहा है। उस छिद्र के बंद होने के पूर्व ही मुझे उसके पार जाना होगा। लाए प्रयोग कपी चतुराई, जामह लंके साउल छाई, मृत्यु बाण प्राप्ति के लाए, अंजनी नंदन युक्ति लगाए, रावण मार्ग स्वयं की प्रशस्ता, हनुमत आगे कोसी विवशता,
बजरंगी जब बुद्धि लड़ाई दुर्गम काज सुगम हो भाई। रावण तुम हनुमान को अपने मृत्यु बाण तक ले ही आए। मेरे मृत्यु बाण तक मेरे अतिरिक्त कोई अन्य पहुंच ही नहीं सकता, यही होगा मेरा मृत्यु बाण। कोई नहीं है, कदाचित भ्रम हो गया था मुझे। तो ये है रावण की मृत्यु का बाण। मैं जानता था मेरे इस मायावी गुप्त स्थान से इसे कोई नहीं ले जा सकता। पूर्णता ठीक की स्थिति में है ये। अब जाकर उस वनवासी को समाप्त करता हूं। बहुत अस्त्र चला लिया उसने। अब रावण के अस्त्र चलेंगे। रावण अब सुरक्षित नहीं रहेगा तुम्हारा ये मृत्यु बाण, और ना ही तुम सुरक्षित रह पाओगे। जय श्री राम। अब इसे लेकर मैं शीघ्र ही मेरे प्रभु के पास जाऊंगा, और तब प्रभु अविलंब वध कर देंगे इस राक्षस राज रावण का, और इसके साथ ही अंत हो जाएगा इस पाप के साम्राज्य का। रावण का यह मायावी पशु बड़ा ही भयंकर प्रतीत हो रहा है, किंतु विजय प्रभु के अस्त्र से निर्मित पशु की ही होगी, क्योंकि अधर्म कितना भी भयानक और बलशाली क्यों ना हो, विजय सदैव धर्म की ही होती है। मेघ छट गए। अब दिखाता हूं तुम्हें वनवासी कि रावण है क्या।
मुझे शीघ्र ही अपना कार्य संपन्न करके यहाँ से निकलना होगा। ये क्या कर रहे हो हनुमान? क्या कर रहे हो हनुमान? क्या कर रहे हो? तो अब तुम छल का भी आश्रय लेने लगे हनुमान। धर्म की दुहाई देने वाला हनुमान, अब चोर कन पे उतर आया है। क्या ये अधर्म नहीं है? क्या सोच रहे हो हनुमान? जो तुम कर रहे हो वो उचित है क्या? क्या अधर्म से प्राप्त किए गए इस बाण को तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु स्वीकार कर लेंगे? नहीं, प्रभु इसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान को ऐसा कार्य शोभा नहीं देता, अपराध है। मैं ये क्या करने जा रहा था? धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का आश्रय? उचित तो यही होगा तुम्हारे लिए हनुमान कि अधर्म मत करो, लौट जाओ यहाँ से। अधर्म तो रावण ने किया है देवी। इस मृत्यु बाण को यमराज से छीन कर मैं तो न्याय कर रहा हूँ। विधाता ने जो भाग्य में लिखा है उसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। मैं भले ही चोर कर्म कर रहा हूँ किंतु ये धर्म की रक्षा के लिए है। मैं अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, अतः ये कदापि अधर्म नहीं है। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे हनुमान, अधर्म का कलंक भी लग जाएगा तुम्हारे मस्तक पर। हनुमान तो असमंजस में फंस गए। इस दुविधा से निकलना होगा हनुमान को। यदि हनुमान रावण का मृत्यु बाण लेकर नहीं गए तो इस युद्ध का अंत कैसे हो पाएगा? प्रभु श्री राम के प्रयास विफल होते जाएंगे। नहीं, प्रभु श्री राम कदापि अधर्म का साथ नहीं देंगे। मुझे ये मृत्यु बाण यहीं छोड़ना होगा। यमराज जी, आपके इस निर्मल धर्मराज रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हनुमान, धर्म अधर्म की दुविधा में पड़ गए हो। हाँ धर्मराज जी। यह अधर्म नहीं है हनुमान, अपितु तुम तो इस बाण को उसके उचित स्थान पर पहुंचाकर धर्म संगत कार्य कर रहे हो। किंतु है तो ये चोर कर्म ही ना, इसे मेरे प्रभु कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान, धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है, इसीलिए तुम्हें इस बाण को प्रभु के संज्ञान में आए बिना ही उनके तुनीर में रखना होगा। इस प्रकार जैसे ही रावण के जीवन की अंतिम घड़ी आएगी उसका मृत्यु बाण प्रभु के हाथ में आ जाएगा। किंतु ये तो पूर्णतया धर्म के विरुद्ध होगा, प्रभु के साथ छल होगा ये। नहीं हनुमान, कोई छल नहीं, कोई धर्म के विरुद्ध कृत्य नहीं होगा ये। मैं धर्मराज तुम्हें अधर्म का कार्य करने को कैसे कह सकता हूं भला? हनुमान, अधर्म तो तब होगा जब रावण का मृत्यु काल आने पर भी प्रभु श्री राम के हाथों से मृत्यु प्राप्त नहीं हो पाएगी।
किंतु धर्मराज जी, कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। यमराज जी का कथन सत्य है, किंतु मेरे प्रभु श्री राम के लिए तो ये सर्वथा अनुचित और अधर्म ही है। क्या उनके बिना संज्ञान के ये कार्य करना अनुचित नहीं होगा? व्यक्ति को कोई भी कार्य करने से पूर्व उसके प्रत्येक पक्ष पर अवश्य विचार करना चाहिए।